हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज करें। तो जो व्हाट्सएप ने हाल ही में अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज चेंज की है, उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा धमाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है कि आखिर ये क्या हुआ है। मतलब प्राइवेसी पॉलिसी में क्या क्या डाटा शेयर किया जाएगा फेसबुक के साथ, क्या सचमुच हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे अपने डाटा को अगर हम लोगों ने नहीं किया एक्सेप्ट नई प्राइवेसी पॉलिसीज़ को। और जो ये 8 फरवरी का डेट था वो व्हाट्सएप ने एक्सटेंड कर दिया है टिल 15 मई, कि वो तब तक लोग को क्लैरिफाई कर पाएँ कि क्या क्या उनके मन में कन्फ्यूज़न है वो एक्सप्लेन कर पाएँ। तो ये सब जो व्हाट्सअप ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जो क्लैरिफिकेशन दिया है, और क्या सचमुच हम लोग डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे 8 फरवरी के बाद या 15 मई के बाद, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज़ करें को, आगे इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस पॉपअप की जो आपके पास आया होगा। ये पापा बहुत लोगों के पास आया होगा कि आपको एग्री करना है या नहीं, नॉट नाउ करना है। तो मेरे पास, अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास भी ये पॉपअप आया था एग्री या नॉट नाउ वाला। तो इसमें बताया गया था कि जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है वो अपडेट कर रहा है व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को, और आपको ये जो है ये 8 फरवरी 2021 को अगर इसको एग्री नहीं करते 8 फरवरी 2021 तक, तो आप अपने व्हाट्सएप को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, अपने डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत लोगों ने एग्री भी किया होगा और बहुत लोगों ने नॉट नाउ भी किया था। मैंने नॉट नाउ किया था उस समय, और बहुत लोगों के पास ये पॉपअप भी आया होगा कि आपको एग्री करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया था कि नॉट नाउ वाला। तो बहुत लोगों ने एग्री भी किया होगा और बहुत लोगों ने नहीं भी किया होगा। दोनों पॉपअप्स में एक में था दोनों ऑप्शन था, एक में एक ही ऑप्शन था, और किसी के पास ये दोनों भी नहीं आया होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या डाटा आखिर शेयर कर रहा है व्हाट्सएप फेसबुक के साथ। तो लोग सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप अपना मैसेजेस हम लोग का शेयर करेगा फेसबुक के साथ। तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जो है आपका मैसेजेस को वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहेगा, और कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इसको रीड नहीं कर सकता है। और व्हाट्सएप इज़ डीपली कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग पीपल प्राइवेसी, ये व्हाट्सएप ने खुद बोला है, ट्वीट करके बात बताया गया था। और ऐसा कुछ नहीं है, व्हाट्सएप आपके मैसेजेस को शेयर नहीं करने वाला था। ये जो बात था वो क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या सचमुच जो व्हाट्सएप है वो हमारे मैसेजेस को फेसबुक में शेयर करेगा। तो इसका आंसर है नहीं, मैसेजेस अभी भी इनक्रिप्टेड रहेंगे। सेकेंड में है कि व्हाट डाटा विल व्हाट्सएप शेयर विथ फेसबुक। तो व्हाट्सएप में क्या डाटा, व्हाट्सएप क्या डाटा शेयर करेगा फेसबुक के साथ, तो वो क्या क्या डाटा होगा, वो आपका रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन होगा, फ़ोन नंबर होगा, ट्रांजैक्शन डाटा होगा, सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, और आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ इंक्लूडिंग बिजनेसेस, मोबाइल डिवाइस इन्फॉर्मेशन, IP एड्रेस, आपका बैटरी क्या है, वो सब लोकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें डाटा शेयर करेगा व्हाट्सएप फेसबुक के साथ। और ऐसा नहीं है कि ये अभी नहीं कर, पहले नहीं करता था, ये 2016 से ये करते आ रहा है, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में मैं बाद में बता रहा हूँ आपको आगे वाले स्लाइड्स में कि आखिर ये सब क्या था, लेकिन अभी यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया गया है कि हाँ आपका ये डाटा शेयर किया जाएगा ये सब डाटा। और अब नेक्स्ट है कि व्हाई डज दिस डाटा एक्सचेंज विथ फेसबुक मैटर, आखिर क्या मैटर करता है क्या ये। तो इसमें ये जो पॉलिसी है ये क्लियरली रीज़न देता है कि क्यों डाटा शेयरिंग फेसबुक के साथ ये कर रहा है, फॉर इंश्योरिंग बेटर सिक्योरिटी एंड फाइटिंग स्पैम, टू इम्प्रूविंग यूज़र का एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए और स्पैम से फाइट करने के लिए, जो कि पहले भी प्राइवेसी पॉलिसी में थे। और जो अब फेसबुक और क्या प्लान है कि जैसे इंस्टाग्राम को जैसे फेसबुक ने लिया है, तो इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेजेस है, फेसबुक में मैसेंजर है, तो उसी तरह फेसबुक चाह रहा है कि व्हाट्सएप में भी अदर सर्विसेज लाए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि डज इट मीन व्हाट्सएप विल यूज़ आवर डाटा फॉर एड्स, तो हमारे क्या जो हमारा डाटा है उसको व्हाट्सएप यूज़ करेगा ऐड दिखाने के लिए फेसबुक में, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो व्हाट्सएप ने बोला था कि हम डाटा मतलब ऐड नहीं दिखाएंगे अपने ऐप पर अब इसका मन बदलता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ साल में व्हाट्सएप ऐड को दिखाएगा। और एक लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये ऐड दिखाएगा आने वाले साल में तो हमारे पर्सनल मैसेजेस को यूज़ करेगा ये ऐड दिखाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके ये एक बात है कि आपका मैसेजेस ये इनक्रिप्टेड रहेगा टोटली, ये व्हाट्सअप भी आपका मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता है व्हाट्सअप। इसका भी मैं बाद में बता रहा हूँ आगे वाले स्लाइड्स में कि आखिर ऐसा क्या है, मतलब व्हाट्सअप क्या स्टोर करेगा हमारे मैसेजेस को, ये भी देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो ऐसा कुछ नहीं है, व्हाट्सअप स्टोर नहीं करेगा। क्या है व्हाट्सअप, आपका डाटा को स्टोर नहीं करेगा, आपके मैसेजेस को स्टोर नहीं करेगा। आप देखिए क्या होता है, जैसे ही आप किसी को मैसेज करते हैं तो व्हाट्सअप वो तुरंत फॉरवर्ड कर देता है मैसेज। अगर वो फॉरवर्ड नहीं हुआ है तुरंत मैसेज, तो क्या करता है वो व्हाट्सअप अपने पास रखता है, और जब तक वो डिलीवर नहीं होता है तब तक वो स्टोर करके रखता है व्हाट्सअप। लेकिन वो जैसे ही डिलीवर हो जाता है वैसे ही वो अपने स्टोरेज से भी हटा देता है, और अगर वो 30 दिन तक डिलीवर नहीं हुआ तो वो अपने आप हट जाता है। मतलब जब तक डिलीवर नहीं होगा रखेगा, लेकिन वो सिर्फ 30 दिन तक। अगर 30 दिन में भी वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है तो वो स्टोरेज से हटा देगा अपने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट डज द पॉलिसी से अबाउट द डाटा शेयर्ड विद बिजनेसेस। तो इसमें क्या बता रहा है, तो ये नया पॉलिसी एक्सप्लेन करता है कि हाउ बिजनेसेस गेट डाटा व्हेन अ यूजर इंटरैक्ट्स विद देम ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या आखिर कहना क्या चाह रहा है ये नया पॉलिसी डाटा शेयरिंग विद बिजनेसेस से रिलेटेड में।
तो अब आपको क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हम लोग को क्या एक्सेप्ट करना ही होगा प्राइवेसी पॉलिसी को। अब देखिए पहले ऐसा बताया जा रहा था कि हाँ आपको करना ही होगा, लेकिन अभी का कुछ और है वो मैं आने वाले स्लाइड में बताऊंगा। और बहुत लोग क्या कर रहे हैं अब व्हाट्सअप को यूज़ नहीं कर रहे, अब सिग्नल पे आ रहे हैं। इलन मस्क ने बोला था कि जो टेस्ला के ओनर है उन्होंने बोला था कि आप सिग्नल यूज़ कीजिए, यूज़ सिग्नल, तो बहुत लोग सिग्नल में भी आ रहे हैं। और ये तो बात बिल्कुल सच है कि जो सिग्नल है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी इनक्रिप्टेड रहता है उसमें, जो अभी डिसअपीयरिंग मैसेज अभी हाल ही फिलहाल में आया है व्हाट्सअप में वो पहले से था सिग्नल ऐप में, तो वो बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है, प्ले स्टोर में इसकी 4.5 की रेटिंग भी है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि हाँ कि क्या ये जो मैंने बताया कि क्या हम लोग को करना जरूरी है, इसके ऊपर हम लोग अब आगे डिटेल में देखने वाले। तो अब व्हाट्सअप ने फ्राइडे को क्या बोला कि 3 मंथ डिले कर रहा है वो प्राइवेसी पॉलिसी वाला 8 फरवरी वाला डेट जो मैंने आपको पहले बताया, जो कि 15 मई तक कर दिया गया है। और अब क्या इसमें बोला जा रहा है कि जो अपडेट है वो इफेक्ट कोई भी मैटर में नहीं करता है आपके डाटा शेयरिंग विद फेसबुक विद रिगार्ड टू यूजर चैट्स और प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। व्हाट्सएप हैज रिपीटेडली क्लेरिफाइड दैट इट्स अपडेट एड्रेसेस बिजनेस चैट इन द इवेंट अ यूजर कन्वर्सेस विद अ कंपनीज कस्टमर सर्विस प्लेटफॉर्म थ्रू व्हाट्सएप। तो ये व्हाट्सएप टोटली क्लियरिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जो भी कंफ्यूजन है प्राइवेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड लोगों के मन में वो दूर करने की चाह रहा है। और जो क्वेश्चन आ रहा है कि क्या व्हाट्सएप हमारे डाटा को शेयर करेगा वो सब कि क्या क्या डाटा शेयर होगा, तो वो जो 2016 से मैंने जो पहले बोल रहा था मैं कि 2016 से ये कर रहा है, लेकिन अभी ये क्लेरिफाई कर रहा है अपने प्राइवेसी पॉलिसीज में, क्योंकि 2016 में बहुत लोगों का सब लोग का नहीं कर रहा है, जिन्होंने 2016 में ही ये मना कर दिया था कि उन्होंने नॉट नाउ कर नो कर दिया था कि नहीं आप ऐसा नहीं कीजिए, तो मतलब उनके पास उस समय ऑप्शन था, उस साल तक 2016 में आपके पास ऑप्शन था कि आपको करना है कि नहीं। जिन्होंने नो किया होगा उनका नहीं वो ले रहा है नंबर्स, और जिन्होंने यस किया था या कुछ और अभी तो सबका ले रहा है, जो व्हाट्सएप में एग्री करेंगे वो उन सबका ही लेगा वो। तो इस तरह करके व्हाट्सएप ने क्लेरिफाई करने की कोशिश की, और 2016 से ही हो रहा था, ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन नंबर पहले नहीं ले रहा था, जिन्होंने यस किया था उनका 2016 में भी वो फ़ोन नंबर ले रहा था, लेकिन अब प्राइवेसी पॉलिसीज जो जो एग्री करेंगे उन सबका लेगा वो। और अब क्या वो चार्ट के द्वारा एक क्लेरिफाई करने की कोशिश की है व्हाट्सएप ने, तो वो आप चार्ट देखिए, ये चार्ट था जिसके चलते व्हाट्सएप ने क्लियरली बोला कि व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेजेस और हियर योर कॉल्स एंड नाइदर कैन फेसबुक। मतलब ना व्हाट्सएप ही नहीं आपका प्राइवेट मैसेज और जो भी आप कॉल्स किसी को करिएगा वो ना व्हाट्सएप सुन सकता है ना देख सकता है और ना ही फेसबुक। फिर क्या व्हाट्सएप ने बोला कि व्हाट्सएप डज नॉट कीप लॉग्स ऑफ हु एवरीवन इज मैसेजिंग और कॉलिंग। तो आप किससे बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप में नहीं देख सकता और ना फेसबुक देख सकता है। व्हाट्सएप आपका ना व्हाट्सएप जो है आपका कॉन्टैक्ट्स को शेयर नहीं करेगा फेसबुक के साथ। आपको डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन करना है तो आप ऑन कीजिए, ऑफ करना ऑफ कीजिए, ये आपका मन मर्जी है। और जो आप व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा अपना लोकेशन किसी और को, वो ना व्हाट्सएप देख सकता है वो फेसबुक। ये भी क्लेरिफाई करने की कोशिश की गई है व्हाट्सएप के द्वारा एक ट्वीट में और एक चार्ट ये चार्ट से के द्वारा। और व्हाट्सएप का जो ग्रुप्स है वो प्राइवेट ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं किया, ग्रुप्स कोई भी देख सकते हैं और यू कैन डाउनलोड योर डाटा, और आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं डाटा व्हाट्सएप से। तो अब यहाँ पे क्या बात बताई गई है, यहाँ फेसबुक ने बोला है जो अफवाहें उड़ रही हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है उसके चलते हो क्या रहा है, जो भी व्हाट्सएप का जो भी मैसेजिंग कॉम्पिटिटर्स है लाइक सिग्नल एंड टेलीग्राम यहाँ पे जो मेंशन किया है, उन लोगों में ज़्यादा साइनअप्स हो रहे हैं इस सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन के कारण, ऐसा बोलने की कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है व्हाट्सएप के जो ओनर है, फेसबुक के जो सीईओ है, वो उन सबको भी, क्योंकि ये जो बताया गया ये ट्विटर के द्वारा बताया गया, तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि मतलब कि इन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि अब लोग व्हाट्सएप से स्विच हो रहे हैं और ऐप्स में, तो इसलिए उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया इस इतने बड़े चीज़ इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। हम लोग आगे देखते हैं अब, तो आगे बताया गया है कि दिस अपडेट डज नॉट एक्सपेंड अवर एबिलिटी टू शेयर डाटा विद फेसबुक। यहाँ पे क्लियरली बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो पॉलिसी है ये हमारे एबिलिटी को बढ़ाएगा डाटा शेयर करने के लिए फेसबुक को, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे ये बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि ये वो 3 मंथ डिले कर रहा है कि वो लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए इस प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। और जो लोग है ये जो मैं पहले बोल रहा था, पहले ऐसा बताया बोला जा रहा था कि आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्लियरली व्हाट्सअप ने बोला है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में, व्हाट्सअप सेज नो वन विल बी लूजिंग एक्सेस टू द ऐप इफ दे डिडंट एग्री टू द न्यू टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट एंड दैट कम्युनिकेटेड द चेंजेस अर्लियर दिस मंथ। जो है पहले बोला गया था वो ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो 15 मई तक सोचने का टाइम देगा लोगों को, अगर उन्हें करना है तब कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए। ये जो सबसे बड़ा मिस कन्फ्यूजन था, मिस इन्फॉर्मेशन था, वो बताया जा रहा था, वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। द इंटेंट ऑफ द अपडेट इज कम्युनिकेटिंग द यूजर्स दैट मैसेजेस विद बिजनेसेस ऑन व्हाट्सएप मे बी स्टोर्ड ऑन फेसबुक सर्वर्स। तो ये जो है ना बेसिकली ये क्या बिजनेस जो बिजनेस अकाउंट है व्हाट्सएप में उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कि उनका जो डाटा है वो बिजनेस अकाउंट्स का जो डाटा है, बिजनेस आप किस कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं बिजनेसेस से, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो डाटा सिर्फ वो शेयर करेगा फेसबुक सर्वर्स को। और जो कंपनी है वो होप करती है द एक्स्ट्रा टाइम विल हेल्प इट गेट अ हैंडल ऑन द कॉन्ट्रोवर्सी एंड बेटर इम्प्रूव इट्स मैसेजिंग अराउंड व्हाट्स एक्चुअली चेंजिंग।
तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप में बताया गया है और ये सब बताने की कोशिश, क्लैरिफाई करने की कोशिश गई है व्हाट्सएप के द्वारा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका डाटा बिल्कुल सेफ है, वो इनक्रिप्टेड है, सिर्फ जो बिजनेसेस, जो बिजनेस अकाउंट है और जो बिजनेसेस से आप कैसे इंटरेक्ट करें वो डाटा सिर्फ शेयर करेगा वो फेसबुक के साथ, कि उसके लिए उस तरह का आपको ऐड दिखाया जाए फेसबुक में, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको अगर पूरा समझ में आ गया हो कि व्हाट्सएप क्या क्या व्हाट्सएप नए प्राइवेसी पॉलिसी में क्या, तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।